देश में घटी कोरोना की रफ्तार, 70 दिनों बाद 24 घंटे में मिले सबसे कम 84,332 मरीज, 121,311 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। कोरोना से बचाव के लिए 25 करोड़ लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन राशिद की धमकी, टीका नहीं लगवाए तो ब्लॉक करेंगे मोबाइल सिम, अवाम का साथ नहीं मिलने से इमरान सरकार परेशान। पाकिस्तान में दिसंबर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, भारत दिसंबर में पूरा कर लेगा संपूर्ण वैक्सीनेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चेतावनी, अनलॉक में कोरोना से लापरवाही पड़ सकती है भारी। मास्क लगाने, शारीरिक दूरी का पालन करने और वैक्सीन लगवाने के साथ ज्यादा सावधानी बरतने का आह्वान। बोले, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। डोमिनिका हाईकोर्ट ने खारिज की मेहुल चौकसी की जमानत याचिका। जज वायनांते एड्रिन रॉबर्ट्स ने चौकसी को फ्लाइट रिस्क मानते हुए जमानत देने से किया इनकार। वकीलों के सभी तर्कों को नकारा। 1,350 करोड़ के बैंक घोटाले का प्रमुख आरोपी है हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी। अवैध प्रवेश के दौरान डोमिनिका में हुआ था अरेस्ट। पश्चिम बंगाल में मुकुल राय ने बेटे संग की टीएमसी में घर वापसी। सीएम ममता बनर्जी की उपस्थिति में पार्टी में हुए शामिल। बोले, बीजेपी में हालत नाजुक, हर कोई छोड़ सकता है पार्टी। बंगाल में ममता के कई और नेताओं के लौटने की संभावना। यूपी में मुख्यमंत्री योगी को मिला संघ का आशीर्वाद। कायम रहेंगे सीएम, 2022 के चुनाव को देखते हुए जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा और कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद बन सकते हैं मंत्री। डिप्टी सीएम के पदों में कोई छेड़छाड़ नहीं। 3 दिनों से चल रहा यूपी सरकार का संकट, थमने के आसार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया कश्मीर में फिर 370 बहाल करने का ऐलान। क्लब हाउस चैट में दिग्विजय ने कहा, कांग्रेस की सत्ता आई तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने पर करेंगे विचार। बीजेपी ने बोला, कांग्रेस पर हमला। झमाझम बारिश के साथ महाराष्ट्र में मानसून की धमाकेदार शुरुआत। पहली बारिश में मुंबई के अंधेरी, बांद्रा और शायन समेत कई इलाके पानी में डूबे। रेलवे ट्रैक पर भी भरा पानी। मौसम विभाग ने दी अगले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। बिना जरूरी काम घर से नहीं निकलने की अपील। थाने और रायगढ़ जिले में अलर्ट। महाराष्ट्र में महागाड़ी सरकार को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले रणनीतिकार प्रशांत किशोर। बीजेपी को दबिश देने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का तंज, बीजेपी के साथ फिर आएगी शिवसेना, बनाएगी सरकार। महाराष्ट्र के गांव में कोरोना को रोकने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया सरपंचों को विशेष उपाय करने का निर्देश। ग्राम सभा के उपयोग के जरिए वासुदेव, वाघ्या, मुरली और दवंडी के जरिए प्रतिबंधात्मक जनजागृति करने पर जोर। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने हर मदद का दिलाया भरोसा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीवा पाटिल का नाम दिलाने लामबंद हुए थाने रायगढ़ जिले के प्रकल्पग्रस्त। 10 जून के सांकली आंदोलन की सफलता के बाद अब 24 जून को सिडको पर हल्ला बोल की बड़ी तैयारी। लाखों प्रकल्पग्रस्तों के शामिल होने की संभावना। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।